तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी के सेकंड डे कलेक्शन जो कि इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया को रोमांटिक करते हुए पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जितना लोगों को उम्मीद था उससे ज़्यादा का कलेक्शन किया। दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी ने किस जगह पे कितना ज़्यादा कलेक्शन किया, उससे पहले हम बात कर लेते हैं गदर 2 मूवी को पाकिस्तान में पूरी तरह से बैन करने के बावजूद भी उनकी खलबली खत्म नहीं हुई। दोस्तों जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है, जब से पूरे पाकिस्तान में इसका ब्रोच चालू हो गया और मूवी रिलीज होते ही पूरे पाकिस्तान में जगह जगह फतवे जारी हो रहे हैं और पाकिस्तान में सनी देओल को जान से मारने की धमकी मिल रही है। और दोस्तों आगे हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है जिससे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहें। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले दोस्तों गदर 2 मूवी के साथ अक्षय कुमार की OMG भी रिलीज हुई दोस्तों और उसका भी आज सेकंड डे है। वहीं बात की कलेक्शन की दोस्तों, तो गदर 2 ने पूरी दुनिया में हिला कर दिया। कलेक्शन इतना ज़्यादा कलेक्शन किया है कि आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ लोग गदर 2 मूवी को देखने के लिए इतना ज़्यादा दीवानगी है कि लोग सीट छोड़ो ज़मीन में बैठकर मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। लोग इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लोग ज़मीन में बैठ बैठ के मूवियाँ देख रहे हैं। लेकिन बात करें दोस्तों तो इस मूवी में इतना ज़्यादा रोमांस के साथ देशभक्ति है कि इस मूवी को सपोर्ट देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मूवी का फर्स्ट लुक जारी किया था। वही बात किया है तो इस मूवी के सपोर्ट में आ गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बात किया है तो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार इसकी मूवी का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं बात किया है तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, जैसे बॉलीवुड के खान गैंग, वहीं कुछ एक्ट्रेस इसके विरोध में आ गई। दोस्तों वहीं बात करें सबसे पहले तो इसकी मूवी ने कितना ज़्यादा कलेक्शन किया, तो फर्स्ट डे की बात की है तो OMD ने जहाँ इंडिया में 9.5 और वर्ल्ड वाइड 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं बात की सेकेंड डे में तो इंडिया में 11 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 13.5 करोड़ रुपये कलेक्शन किया, यानी टोटल इनकम की बात किया है तो दो दिन का जहां OMD का 26 करोड़। वहीं बात किया है तो सनी देओल की गदर 2 ने मात्र 3700 घरों में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी दोस्तों, और 3700 स्क्रीनिंग के बाद पहले दिन ही 40 करोड़ इंडिया में कलेक्शन किया था दोस्तों। वहीं बात किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 43 करोड़ का था। वहीं दूसरे दिन की बात किया तो दूसरे दिन दोस्तों 46 करोड़ इंडिया में किया है और वर्ल्ड की बात किया तो 57 करोड़। दोस्तों टोटल इनकम की बात की है तो 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर चुकी है दो दिन के अंदर ही गदर 2 ने। वही बात किया तो इसकी लागत मात्र 100 करोड़ थी और इसने दो दिन में ही कंप्लीट कर लिया। वही दोस्तों बात किया है इसकी बीकन, तो बीकन होने वाली है कम से कम 400 करोड़ का बीकन होने वाली है दोस्तों। और वही बात किया है तो इस मूवी को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दुनिया से मिल रहा है कि आने वाले 2-4 दिन में स्क्रीनिंग बढ़ाई जाएगी और इसका कलेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा और ये बड़ी बड़ी मूवी को पिछाड़ कर इंडिया की नंबर 1 मूवी बनने वाली दोस्तों। और आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।